चलो तो करते हैं अपन स्टार्ट। क्या करा था अपन ने लास्ट क्लास में? कौन सी फॉर्म थी इंटीग्रेशन की? अच्छा एलजेब्रिक ट्विन वाला लिया था ना लास्ट क्लास में अपन ने, एलजेब्रिक ट्विन वाला लिया था ना। ठीक है ठीक है। चलो अब उसके बाद अपन लेते हैं इसमें इरेशनल एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल एलजेब्रिक फंक्शन। इसमें भी क्या है कि देखो तीन चार स्टैंडर्ड फॉर्म है राइट, तो आप क्या है कि सबसे पहले आपको बस वो फॉर्म याद रखनी है और आप फॉर्म की केवल स्टार्टिंग याद रख लेना। ठीक है, सबसे सही क्या है कि आप केवल फॉर्म की स्टार्टिंग याद रख लेना, है ना। फॉर्म की स्टार्टिंग भी याद रख लोगे तो उसके आगे तो फिर होता जाएगा अपने पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे फर्स्ट फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी, है ना। मतलब क्या है कि यहां पे भी एक लीनियर टाइप का टर्म आएगा और यहां पर भी एक लीनियर टाइप का टर्म आएगा, यहां पे भी लीनियर और यहां पे भी लीनियर। तो आपको क्या करना है, आपको सी एक्स प्लस डी को टी स्क्वायर मान लेना है। सी एक्स प्लस डी को, मतलब जो अंडर रूट वाली टर्म है ना, अंडर रूट वाली टर्म, उसको टी स्क्वायर मान लेना है। ठीक है, बस उसके बाद पूरा आप dx से dt में करेंगे तो आपके पास ये कोई ना कोई पहले जो भी फॉर्म्स अपन पढ़ चुके हैं उसमें से कोई फॉर्म बन जाएगी तो उसका अपन डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, आप केवल स्टार्टिंग समझ लो, बाकी अभी अपन एग्जांपल्स करेंगे तो मैं एक एक एग्जांपल से ये बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, मतलब मेन अंडर रूट वाले को अपने को टी स्क्वायर मान लेना है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज मिलेगा। हो सकता है जैसे यहां पे भी कोई एक्स वाली टर्म आपके पास आ जाए, यहां पे भी कोई x वाली टर्म आ जाए, यहां x वाली टर्म आ जाए, तो सीधा सीधा आप अंडर रूट वाले को t स्क्वायर मान लेना। ठीक है, चलो सेकंड की बात करें अपन, सेकंड फॉर्म में क्या है कि dx अपॉन, ऐसा मान लो कि यहां पे भी क्वाड्रेटिक 2 डिग्री और यहां पे भी 2 डिग्री, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, है ना। यहां पे भी 2 डिग्री है और यहां पे भी 2 डिग्री, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 बाय टी, ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। जैसे फर्स्ट वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने को समझ में आ जाता है ना, फर्स्ट वाला तो फिर भी समझ में आ जाता है कि यहाँ भाई अंडर रूट वाले को अपने को टी स्क्वायर मानना है, फर्स्ट वाले को तो समझ में आ जाता है। सेकेंड वाले में थोड़ा सा मतलब यूनिक टाइप का केस मान लो, ठीक है, कि यहां पे भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाए और यहां पे भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाए तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाय टी मानना है, उसके बाद वही dx dt करना आप। ठीक है, तो इसके आगे फिर अपने पास जो पुरानी वाली कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अपने पास बन जाएगी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में, इसमें यहां पे भी लीनियर, इसमें यहां पे भी 2 डिग्री वाली टर्म, इसमें यहां पे भी 2 डिग्री वाली टर्म। ठीक है, देन थर्ड केस, dx अपॉन x माइनस k टू दी पावर r और अंडर रूट ऑफ लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस c। r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, dx अपॉन x माइनस k टू दी पावर r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स माइनस के टू दी पावर आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें x माइनस के को 1 बाय टी मानना है, r नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब बहुत ज्यादा पावर तो नहीं आएगी, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है,
थ्री आ सकती है, बहुत ज्यादा पावर नहीं आएगी, वन टू या थ्री टाइप से कुछ पावर आएगी। तो x माइनस के को वन बाय टी अपन मानेंगे, ठीक है। बाकी का पार्ट वही आप पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, चलो अब मैं कुछ इस पे प्रॉब्लम्स करा देता हूं। तीनों फॉर्म्स और भी थोड़ी बहुत मिक्स टाइप की फॉर्म मिलेगी, पर ये तीन स्टैंडर्ड टाइप की है। ठीक है, चलो लिख लिया। यस सर, लास्ट वाला रह गया सर, लास्ट वाला। हो गया सर। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस थ्री रूट ऑफ x प्लस वन इंटू dx। x अपॉन x माइनस थ्री रूट x प्लस वन dx, ठीक है। फर्स्ट टाइप की फॉर्म है, बस यह है कि मैंने बोला था यहां पे कोई टर्म नहीं थी, उसमें मैंने बस यहां लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। x प्लस वन को मैंने टी स्क्वायर माना, dx को मैंने लिख दिया 2t dt, इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर माइनस वन, इस x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन, तो ये टी स्क्वायर माइनस फोर हो गया, इस रूट x प्लस वन की वैल्यू t और dx की वैल्यू हो गई 2t dt, ठीक है। फिर से समझो, x प्लस वन को टी स्क्वायर माना, रूट वाले को मानना था, तो dx टी स्क्वायर का 2t dt हो गया, इस x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन रख दी, इस x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री, तो टी स्क्वायर माइनस फोर, इस रूट x प्लस वन की वैल्यू t हो गई, तो ये t से t कैंसिल हो गया मेरे पास। अब मेरे पास आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस फोर इंटू dt। इसका बता सकते हो कैसे करेंगे? टी स्क्वायर माइनस डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, डिवाइड डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, करेंगे। हाँ याद है, मतलब जैसे ये वाला फॉर्म हो गया एक तरह से, कि ऊपर और नीचे दोनों की पावर सेम है, तो मैंने बताया था कि न्यूमरेटर की पावर यदि सेम हो या ज्यादा हो तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो उसको मैनिपुलेट से भी कर सकते हो, जैसे ये छोटा सा पार्ट है ना, तो ये मैनिपुलेशन से भी हो जाता है। ऊपर माइनस फोर प्लस फोर कर लो, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, माइनस वन है ना, तो इसको टी स्क्वायर माइनस फोर एंड माइनस फोर प्लस थ्री ऐसा लिख सकते हैं। यस सर, अब फार्मूला लग गया है, बात हो गई। तो ये मेरे पास आ गया 2 1 प्लस 3 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 इनटू डी। 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया, प्लस 3 ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a हो गया, और ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, और t की वैल्यू यहां पे आप रख देना, t इज इक्वल टू कितना, रूट ओवर x प्लस वन। तो मेन बस क्या है, स्टार्टिंग अपने को समझ में आनी चाहिए, उसके बाद तो क्या होगा कि बाद में तो वो पुरानी वाली फॉर्म ही कोई अपने पास बनने वाली है। सर, बिगनर बॉक्स कितने सोल्व हो जाएंगे? बिगनर बॉक्स मैं मॉड्यूल में देखता हूँ कितने सोल्व हो जाएंगे, कि अब अपना बस ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट बचेगा इसके बाद।
सेकेंड क्वेश्चन है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस टू। x स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, बताओ क्या मानना चाहिए, कौन सी वाली फॉर्म हो गई? x इक्वल टू 1 बाय टी। तो dx इज इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया आपका माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, इसको 1 बाय टी स्क्वायर रख दिया, ये आपका 1 बाय टी स्क्वायर रख दिया प्लस टू। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, इसका एलसीएम ले लिया तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर आ गया, इसका एलसीएम ले लिया और टी स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लिया तो टी स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लिया तो कितना हो गया टी, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है बात? डीएक्स की वैल्यू रख दी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, इसकी वैल्यू 1 बाय टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 बाय टी स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, इसका एलसीएम लिया तो टी से टी, ये टी स्क्वायर कैंसिल, ये टी बच गया, तो मेरे पास आ गया माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। ठीक है नाता? यस सर। अब बता सकते हैं क्या करना चाहिए? अब मतलब कोई फॉर्म तो नहीं है लेकिन अपन एक जनरल फिर से लगानी पड़ेगा है? फिर से कौन सा? नहीं देखो इस क्वेश्चन में मतलब ये आप देख रहे हो और ये आप देख रहे हो तो एक अंतर दिख रहा होगा दोनों में। हाँ त्रिलोक ने सही बताया, इसमें इसमें बस एक अंतर है, यहाँ पे भी ठीक है 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री 2 डिग्री है, इसमें ऊपर कुछ नहीं था और इसमें ऊपर टी आ गया बेसिकली। yes, नहीं तो अब आप क्या कर सकते हो कि 1 प्लस 2 टी स्क्वायर को यू स्क्वायर मान लो अंडर रूट वाले। तो यदि मैं जैसे यहां पर एक्स लिख देता ना, यहां पे यदि मैं x लिख देता तो फिर अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता, फिर मुझे ये वाला पार्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 4t dt = 2u du 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 2 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 1 बाय टू u du। ठीक है, 1 प्लस t स्क्वायर की वैल्यू रख दो, 1 प्लस t स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर माइनस 1 बाय टू, ये हो गई और अंडर रूट 1 प्लस 2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई यू, ये यू से यू कैंसिल। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम लेंगे, 2 इधर आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, तो मेरे पास आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, so that become minus 10 inverse u plus c। u की वैल्यू पहले ये रखेंगे फिर उसमें t की वैल्यू रख दो, है ना, वैल्यू तो पहले u की रख देना फिर उसमें t की वैल्यू रख देना 1 by x। तो इस स्टेप और इस स्टेप में बस इतना सा अंतर था। देखो 1 by t मानने से क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आया, समझ में आ रहा? 1 by t मानने से क्या हुआ कि ये जो ऊपर कोई भी टर्म नहीं थी ना तो यहां पर टी आ गया अपने पास, तो उसके बाद फिर अपन ने इसको यूज कर मान के इंटीग्रेट कर दिया है। तो अरे लास्ट वाली स्टेप ऐसा समझ नहीं आई सर, लास्ट वाली स्टेप सर एलसीएम लो, समझ में क्या आ गया, उसमें एलसीएम लेना नहीं आता क्या? यहां पे एलसीएम नहीं आता सर, टू कैंसिल हो गया तो ऊपर यू स्क्वायर प्लस 1 आ गया ना। यस सर, तब फिर तो आ गया सर। अब उसमें देखो ये सब चीजें क्या है, मतलब बहुत यूनिक टाइप की चीजें है, मतलब कि जैसा ये आ गया तो वो 1 by t रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है उसमें, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। यहाँ पर जैसे ये आ गया, अब इसको यू स्क्वायर मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो कुछ कुछ चीजें बड़ी यूनिक टाइप की है, तो इसको क्या जब तक जैसे आप 2-3 बार नहीं करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, अब सर यू की वैल्यू रख देंगे। हाँ पहले यू की वैल्यू रख देना,
फिर वो टी आएगा, फिर टी की वैल्यू रखनी, दो बार रखनी पड़ेगी, पहले यू की फिर टी की। सर यू की वैल्यू तो रूट वन प्लस टू टी होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन। अच्छा ये ट्राई करने देना। चलो क्या करोगे इसमें बताओ, कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड वाली फॉर्म बन रही है। चलो करो तो सर इसका फैक्टर बनेगा क्या? हैं? इसका फैक्टर? नहीं फैक्टर नहीं बनेगा। तो फिर सर यार ये इसको कैसे बनाएंगे वो समझ में नहीं। आप x की वैल्यू रख दो t के टर्म्स में, x की वैल्यू जैसे आप सर x माइनस थ्री को मैंने के वो मान लिया, x माइनस थ्री को वन बाई टी। हाँ बस तो x की वैल्यू रख देना, वन बाई टी प्लस थ्री रख देना। हाँ सर हाँ। और इजी करना चाहो तो एक चीज और ये क्वेश्चन में यदि आपको क्लिक कर रही हो तो ये x माइनस थ्री का होल क्यूब है और इसको अंदर वाले को मैं लिख सकता हूँ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन भी लिख सकते हो आप, तो सीधे x माइनस थ्री की वैल्यू रख दो वन बाई टी और आसान हो जाएगा। वो तो डायरेक्ट x की रखोगे तो भी आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt by माइनस का 1 by t स्क्वायर आएगा ना? हाँ। तो इससे t क्यूब से t स्क्वायर तो कैंसिल हो गया सर। हाँ हाँ हाँ। और एक और t भी कैंसिल हो जाएगा ना, इधर अंडर रूट के बाहर से आएगा तो वो भी नहीं सर, वो कैसे होएगा? हाँ ऊपर t स्क्वायर बचेगा, ऊपर t स्क्वायर बचेगा तो करो ना सर, इधर नीचे एक t बचा ना, t स्क्वायर प्लस 1 बचेगा माइनस वन बाय टी स्क्वायर डी टी
dx की वैल्यू रखी माइनस वन बाय टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया आपका वन बाय टी क्यूब और ये हो गया आपका वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये यहां से कैंसिल हो गया, ठीक। माइनस यहां पे एलसीएम ले लिया, टी स्क्वायर यहां पे आएगा, अंडर रूट के बाहर टी आ जाएगा, मतलब ये हो गया माइनस डी टी बाय वन बाय टी, एलसीएम लिया तो अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर बाय टी, तो माइनस टी स्क्वायर डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, ऐसा आ गया। यस सर, अब इसको सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं, ऊपर प्लस वन माइनस वन कर लो, अलग अलग कर लो, हो जाएगा डायरेक्टली। माइनस ऊपर प्लस वन एंड माइनस वन यदि अपन कर ले, अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर कर ले, ठीक है, माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला याद है, इसका भी फॉर्मूला है, yes, sir. रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, और इसका भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। आप चाहो तो मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं दोनों का, याद आ जाएगा आपको। माइनस होल इंटीग्रेशन t by 2 under root of 1 plus t square plus x by 2 under root 1 plus x square plus a square by 2 ln x plus under root 1 plus x square, तो इसका होगा फर्स्ट वाले का, याद आ रहा है, under root a square plus x square का, x by 2 under root a square plus x square plus a square by 2 log this, ठीक है, ये तो फर्स्ट वाले का हो गया, और फिर अंदर ये हो गया माइनस माइनस प्लस, इसका सीधा फॉर्मूला था लॉग टी प्लस अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर, फिर बोला ये दोनों टर्म आप एक साथ ले सकते हो, ये माइनस वन बाय टू और प्लस वन, तो ये प्लस वन बाय टू अपने पास आ जाएगा, सर अब टी की वैल्यू रख देंगे। हाँ, अब टी की वैल्यू रख देना लास्ट। सर अब थोड़ी ना कुछ करने की जरूरत है, बस इसमें ये दोनों टर्म एक साथ आ जाएगी ना, जैसे ये टर्म और ये टर्म, भई आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस वन बाय टू हुआ और ये प्लस वन हुआ, तो दोनों टर्म सेम है, तो माइनस वन बाय टू और प्लस वन मिलके कितना हो जाएगा, प्लस वन बाय टू, दोनों टर्म सेम है तो एक साथ कर सकते हो आप। सर दो मिनट, यस सर, मिनट का तो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अभी दो क्वेश्चन और आप ट्राई करो। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस वन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, ठीक है,
सेकंड वाले में डायरेक्ट कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इवन फॉर्म बनेगी भी नहीं उसमें, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि बिना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कुछ फॉर्म बन रही है क्या, पर वो डायरेक्ट फॉर्म बन भी नहीं रही है। सर ये मतलब कि ये तो नीचे नीचे का डिनोमिनेटर कट ही नहीं रहा इसका, फर्स्ट वाले का। अभी एक बार ट्राई कर लें तो सबको, फिर मैं बताता हूँ क्या करा, कैसे स्टार्ट करा। सर x माइनस वन को वन बाय टी लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस वन बाय टी स्क्वायर आया, तो इधर माइनस वन बाय टी आ जाएगा ने इधर। पूरा करो उसको, पूरा करो, पूरा करो तो सही आगे।
हुआ क्या, फर्स्ट वाला x माइनस वन को वन बाय टी माना, dx हो गया माइनस वन बाय टी स्क्वायर डी टी, तो ये हो गया माइनस वन बाय टी स्क्वायर डी टी, यहां पर आ गया वन बाय टी, यहां पे वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू हो गई वन बाय टी प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर x की वैल्यू रखी वन बाय टी प्लस वन, और फिर ये प्लस वन रख दिया, एक टी से ये टी कैंसिल हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन बाय टी स्क्वायर प्लस टू बाय टी प्लस वन, यहां पर आएगा वन बाय टी प्लस टू, तो ये आ गया मेरे पास माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन बाय टी स्क्वायर प्लस थ्री बाय टी प्लस थ्री, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर वन प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर, t स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो बाहर आ जाएगा t, t से ये t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपना आंसर आएगा, यहां पे मैं कर देता हूं माइनस, कौन सा कैंसिल नहीं हो रहा था तुम्हारा पार्थिव, करा था पूरा क्वेश्चन ये सर, उसका आया नहीं समझ, अरे कैंसिल तो हो गया पूरा, होल स्क्वायर बनाना क्या बच गया, बोलो कैंसिल नहीं हो रहा सब, तो आ जाता खराब कहा था तुमने पूरा, वही सब पूरा ही नहीं हो पाया, अब क्या करोगे थ्री कॉमन ले लेना, यस सर वो फॉर्मूला लग जाएगा, थ्री कॉमन लेके होल स्क्वायर वाला बना लेना, मतलब बाहर थ्री ले लिया, वन बाय रूट थ्री हो गया, वन बाय रूट थ्री हो गया, तो डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन बाय थ्री, अब होल स्क्वायर बना के अपन कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट वाला करो, तो सेकंड में कोई फॉर्म नहीं बन रही है, मतलब आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ कुछ कर सकते हो आप उसमें, इसको कैसे करेंगे होल स्क्वायर बना के, अभी तो होल स्क्वायर में था, होल स्क्वायर बनाओगे तो t प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 3 करेंगे तो 12 माइनस प्लस वन बाय ट्वेल्व आएगा अपॉन में, अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, सर माइनस भी आएगा, हाँ माइनस, सर आपको आंसर सेंड किया उसकी फोटो देखो, मेरे को समझ में नहीं आया मेरे से कहाँ गलती हो गई, आंसर सेंड किया हाँ तो देख लो सर, तुमने क्या करा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अंडर रूट तुम्हारा कहाँ गायब हो गया, स्टेप तो ढंग से लिखो यार, अंडर रूट के बाद वाली स्टेप कहाँ गायब हो गई, तुमने सॉल्व कहाँ कर रखा है, पूरा तो करो उसको, सर वो टी ने टी तो वो कॉमन आ जाएगा ना, अरे पूरा ये साफ साफ लिखा हुआ है इस पे से देख लो, तुमने ये कर रखा है इसके बाद वाली स्टेप तुम्हारी कहाँ है, ये लिखा हुआ ना यही तो लिखा हुआ है, देखो तो सही एक बार, Yes, sir. ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप तुमने सॉल्व करा कहा है पूरा अभी उसको आगे, टी स्क्वायर तुमने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये टी स्क्वायर है एक्चुअली, तुमने ना उसको टी लिखा था, यहाँ पे टी स्क्वायर आई नहीं रहा तुम्हारा कहीं पे भी, वहां पे तुमने ना टी डायरेक्ट कर दिया वो ही सर,
सेकंड में वन बाय ट्वेल्व ए स्क्वायर कैसे, होल स्क्वायर कैसे बनाते थे, इसका स्क्वायर माइनस करते थे, तो माइनस वन बाय फोर करोगे प्लस वन बाय फोर करोगे तो ट्वेल्व एलसीएम लोगे तो उससे आपके पास वन बाय ट्वेल्व आ जाएगा। हाँ सही है त्रिलोक का आंसर सेकंड वाला, वेरी गुड। ठीक है सेकंड में क्या करना है कि रूट एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई और एक्स प्लस वन से डिवाइड कर लो, या रूट एक्स माइनस वन सॉरी x माइनस वन से मल्टीप्लाई x माइनस वन से डिवाइड कर लो, तो ऊपर x माइनस वन हो गया, नीचे x हो गया, और यहां पर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन हो गया, है ना। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, दोनों को अलग अलग कर लो आप, सीधे दोनों के फॉर्मूले बन रहे हैं, x अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन माइनस वन अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया आपके पास सीधा सीधा इसका फॉर्मूला हो गया ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का, और यहाँ sec इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। सीधा यस सर, अब उसमें क्या दिखने में, ये भी रेशनल टाइप का लग रहा था जो कुछ इस टाइप की फॉर्म बन जाए, पर उसमें जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। एक क्वेश्चन और करो ऐसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। फोन पे बात नहीं करे ठीक से, क्या तू तो पढ़ाई करे, मार से बात नहीं करे तो हम भी नहीं करे बात, ये हाथ में छालो भाई, ये मां मुंडे मां आयो अपना या कुछ सीखो, रोहित माइक बंद कर भाई, चल तू ऊपर ऊपर चला, चल हट जाओ नीचे आ पापा, चल ऊपर चला, बहुत खा ले हम खाने की जे चॉकलेट है, चॉकलेट खाएगा ना, ये बड़ी बात है, ये कौन है यार, हां किधर मम्मी, ये कौन है किधर मम्मी, नानी का सुनो किधर मामी नानी, मामी नानी ये कौन है, किधर ये मम्मी कौन है, के मामी नानी, नानू मामी किधर, क्यों ये कौन है, नानू मामी है किधर, नानू मम्मी याद रहने रख, मैं समझ चुकी हूँ, ये कर लो क्यों,
अरे माइक मत ऑन करा करो, पीछे से आवाज आती रहती है। फिर इसमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कहाँ से कॉमन है? नहीं तब तो सर फॉर्म बनेगी ऊपर सर, x प्लस वन बिफोर वन बाय। चलो एक मिनट में आपको देता हूँ। इसको क्या x प्लस वन से मल्टीप्लाई और x प्लस वन से डिवाइड, x प्लस वन से है ना, तो ऊपर हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस वन, नीचे यहां पर हो गया x प्लस वन का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो गया, और यहां पर हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत एल्जेब्रिक ट्विन टाइप से करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक ट्विन टाइप से करना पड़ेगा, जैसे एल्जेब्रिक ट्विन वाली फॉर्म बनेगी अब ये कुछ कुछ। चलो बताऊं क्या? नो सर, दो मिनट और। हिंट मैंने दे दिया, थोड़ा सा एल्जेब्रिक ट्विन टाइप का फॉर्म बनेगा ये। सर टेन इनवर्स में आ रहा है? हाँ शायद से टेन इनवर्स में आ सकता है। देखो एक्स स्क्वायर से अपन ने डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर से मतलब दो काम करो, एक तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो और एक यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यदि मैंने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा
और इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, मतलब x यहां पे रख लो और x यहां पे रख लो, ऐसा। क्लियर है यहां तक किसका है, है ना? मतलब मैंने सबसे पहले तो क्या करा था, x प्लस वन से मल्टीप्लाई x प्लस वन से डिवाइड करा, ठीक है? तो ऊपर x स्क्वायर माइनस वन हो गया, अब नीचे ये बन गया, अब ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करा, ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करा, तो ये आ गया 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर यहां पर आ गया, अपॉन यहां पर आ गया मेरे पास x प्लस 2 प्लस 1 बाय x यहां पर आ गया, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंडर रूट के बाहर हो गया x, x से x कैंसिल हो गया और अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 प्लस 1 बाय x आ गया। Yes, sir. X plus 1 by X को T. ठीक है, अब इसको T मान लेते हैं, X plus 1 plus 1 by X को T मानोगे तो 1 minus 1 by X square into dx is equals to dt. ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा integration of dt, ठीक है, X plus 1 by X t स्क्वायर मानना पड़ेगा, सॉरी इसको t स्क्वायर मान लो, t स्क्वायर ज्यादा अच्छा है, इसको t स्क्वायर मान लो तो t स्क्वायर मान लो 2dt, तो ये 2t dt हो जाएगा, dt into 2t, ठीक है? तो क्या होगा, ऊपर तो आ गया 2t into dt है ना, और ये हो गया अपने पास root of this is equals to t आ गया into, ये हो गया x plus 1 by x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 1, तो ये t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये t से t सीधा सीधा कैंसिल होके अपने पास सीधा आंसर आ रहा है tan inverse t plus c, और t की वैल्यू आप कर सकते हो रूट ओवर x plus 1 plus x, ठीक है? बोलो, कोई डाउट? नो सर, क्लियर सर। तो ये अब देखो फॉर्म्स थोड़ी बहुत है ना, ये सब जैसे अभी जितने भी क्वेश्चन आज अपन ने करे ना, मतलब दिखने में थोड़े थोड़े से सेम टाइप के दिख रहे हैं, एक अंडर रूट वाली टर्म आ रही है कहीं पे अंदर क्वाड्रेटिक बाहर क्वाड्रेटिक ऊपर कोई x वाली टर्म, किसी में स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है किसी में नहीं बन रही है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अपने को करना पड़ रहा है ना? अब इसमें जैसे दो फॉर्म और दी हुई है, हालांकि उन दो फॉर्म में क्या होता है, क्वेश्चन में जैसे वो सब्स्टिट्यूशन उसने दिया हुआ तो है, ठीक है, वो एक बार मैं वो सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ, हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन में बिना उसके भी क्वेश्चन इजीली हो जाता है, हो गया सर। जैसे ये वाली फॉर्म की बात कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स और एक्स माइनस अल्फा इनटू बीटा माइनस एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस, ठीक है, तीनों फॉर्म, राइट? इसमें अपन क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा यूनिक टाइप का सब्स्टिट्यूशन है ये भी, तीनों फॉर्म्स के लिए x इक्वल्स टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा अपन कर सकते हैं तीनों फॉर्म्स के लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी एक फॉर्म अपन ले लेते हैं, से ये वाली बता देता हूं मैं आपको, सब में सेम करना अपने वो, ठीक है? तो dx कितना आएगा, अल्फा बीटा की जगह कोई वैल्यू भी आ सकती है,
अल्फा बीटा की जगह कोई वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। तो डीएक्स कितना आएगा, 2 अल्फा कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, इसका आएगा 2 बीटा साइन थीटा और इसका भी कॉस थीटा आएगा। तो डीएक्स इज इक्वल टू यहां से ले लेते हैं साइन 2 थीटा और ब्रैकेट में आएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा, इसे आएगा साइन 2 थीटा और बीटा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, लेट्स से फर्स्ट वाले की मैं बात करूं, अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स मतलब कितना, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस एक्स, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स साइन टू थीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा, ठीक है। यहां तक एक्स की रख दी माइनस अल्फा बीटा माइनस दिस, है ना। बीटा माइनस अल्फा को ले लेते हैं बाहर होल इंटीग्रेशन, यहां से माइनस अल्फा कॉमन लेंगे, माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा कॉमन लिया तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये बीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा रखा, माइनस अल्फा कॉमन लिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, बिल्कुल ऐसे यहां से इन दोनों में से बीटा कॉमन लिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर इनटू डी, ठीक है। ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन बीटा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया तो ये आ गया अपने पास, अच्छा एक साइन टू थीटा ही बच रहा है, एक साइन टू थीटा भी बच रहा है। तो बीटा माइनस अल्फा से बीटा माइनस अल्फा तो कैंसिल हो गया, आपके पास बच रहा है बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन टू थीटा को लिख सकते हो टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा से कॉस। अब बच गया कितना, टू साइन स्क्वायर थीटा बच गया ना, टू साइन स्क्वायर थीटा, तो टू को ले लेते हैं बाहर, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा को लिखना पड़ता है वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, ये टू वो क्यों नहीं लिख सकते, कहाँ पे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये कौन सा पढ़ रहा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा नहीं सर वो अलग हो गया, cos थीटा का फॉर्मूला तो अपने पास sin स्क्वायर थीटा को लिखा है ना। तो फाइनली अपने पास अब आ गया बीटा माइनस अल्फा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 थीटा बाय 2 प्लस, ठीक है। cos वैल्यू रखनी पड़ेगी, वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। वैल्यू कैसे रखेंगे अपन, ठीक है, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की भी वैल्यू चाहिए, साइन टू थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अब डिपेंड करता है, देखो इसमें क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है, आप साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहां से, आप कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो ना, इसको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको वन माइनस साइन स्क्वायर, जनरली अपन साइन इनवर्स की फॉर्म में लाते हैं अपन, तो ये हो गया x is equals to alpha minus alpha sin square theta plus beta sin square theta, तो sin square theta आ जाएगा मेरे पास x minus alpha upon beta minus alpha, तो sin theta आ जाएगा अपने पास under root of x minus alpha upon beta minus alpha, ठीक। तो फाइनली बीटा माइनस तो वही फॉर्म बन गया ऊपर वाला, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, हाँ वही वाली फॉर्म बन गई ना, बीटा माइनस सर एक्स एक्स नहीं आया सर, बीटा माइनस तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास साइन इनवर्स
अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ठीक, और प्लस साइन टू थीटा। साइन टू थीटा की वैल्यू के लिए, साइन टू थीटा की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ठीक है, फिर साइन टू थीटा की वैल्यू के लिए डायरेक्ट कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, टू टेन थीटा में लाए या तो फिर वही साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे साइन थीटा आ गया ना, अब बिल्कुल ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते अपन, साइन थीटा आ गया ना तो कॉस थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा ही आ गया तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इसको एलसीएम लेंगे तो बीटा माइनस अल्फा माइनस एक्स, तो माइनस अल्फा कैसे, मतलब ये आ रहा है बीटा माइनस एक्स अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस एक्स अपॉन बीटा माइनस अल्फा। तो साइन टू थीटा को लिख लेते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गए, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा ये रहा, साइन थीटा ये रहा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा ये रहा, कॉस थीटा ये रहा बीटा माइनस एक्स अपॉन बीटा माइनस प्लस। अब भले ये दोनों का अंडर रूट हटा के ये बीटा माइनस अल्फा अपन बाहर ले सकते हैं और ये ऐसा रह जाए, ये वाला देख लो, ये ऊपर वाली टर्म आपकी ये ऐसी वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या, देखो इस वाले एक्स से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, मैंने ये साइन थीटा निकाला, बिल्कुल ऐसे अपन कॉस थीटा की भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। सर सर साइन टू थीटा को क्या लिखा, साइन टू थीटा को मैंने लिखा टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू से टू कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा की वैल्यू रख दी, ये कॉस थीटा की वैल्यू, ये रहा साइन थीटा, ये रहा कॉस थीटा, यस सर। अब जैसे ये अंदर आप ये बीटा माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, तो एक तरह से बीटा माइनस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा कितना होगा, बीटा माइनस अल्फा होगा, तो वो बीटा माइनस अल्फा इस बीटा माइनस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। सर ये आरी स्टेप नहीं है सर, रूट बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा नेक्स्ट स्टेप सर, सर इसमें सर सर ये यहाँ लिखा है रूट बीटा साइन स्क्वायर थीटा सर लास्ट में सबसे, ये रूट बीटा लास्ट में, ये नो सर सर इस तरफ सर लेफ्ट में, ये सही वाली है, इसके नेक्स्ट स्टेप सर नहीं है सर, समझ में इसके नेक्स्ट स्टेप तो ये वाली थी ना, ये यस सर यही सर, ये बीटा इसमें से ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यस सर, नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो बीटा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया कॉस थीटा, क्लियर, और साइन टू थीटा बोले टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा वाई, तो वन का इंटीग्रेशन थीटा कॉस टू थीटा का हो गया साइन टू थीटा, यस सर आ गया सर, यस सर। चलो लिख लिया क्या,
बिल्कुल ऐसे ही तीन फॉर्म्स और है ना। अब मैं उसमें बस सब्स्टिट्यूशन बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा उसका। अरे प्रूफ करने आता है क्या है? अरे प्रूफ करने आ सकता है क्या बोर्ड में? प्रूफ थोड़ी ना है, क्वेश्चन है एक्चुअली। अब जैसे अभी अपन ने अल्फा टाइप किया ना, तो उसमें अल्फा टाइप की जगह वैल्यू आएगी क्वेश्चन में। जैसे मान लो अभी अपन ने मान लो जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो गया एक तरह से, आप समझना dx upon under root x minus 1 into 2 minus x। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो वही मैं बता रहा हूं एक्चुअली। ये क्वेश्चन अब परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हो सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हो सकता है ना। और अब इसमें एक तरह से क्या हो गया, x माइनस अल्फा और बीटा माइनस x हो गया, x माइनस अल्फा बीटा माइनस x। तो अल्फा 1 है और बीटा 2 है, तो अब इसमें आप x इज इक्वल्स टू अल्फा 1 है मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा 2 है तो 2 sin स्क्वायर थीटा, ये पुट करना पड़ेगा आपको इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी एक दूसरा ऑप्शन जैसे इसमें ये भी है, मेरे ख्याल से इसमें ये भी हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए 2x एंड माइनस माइनस प्लस x 3x है ना, 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 2 ऐसा बन रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है। अब यदि मैं इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए ट्राई करूं, यदि माइनस कॉमन लिया तो ऐसा बन गया, तो ये हो गया x माइनस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 बाय 4 प्लस 2, तो 4 2 जाए 8 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 बाय 4, तो 1 बाय 4 माइनस x माइनस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, देखो हो गया डायरेक्ट ही हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो गया ये 1 बाय 4 माइनस x माइनस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन इनवर्स लिख सकते हैं, डायरेक्ट साइन इनवर्स हो जाएगा इसका, है ना। तो दोनों तरह के ऑप्शंस रहते हैं उसमें से, ठीक है। अरे नोट नहीं करना है, नोट नहीं किया था, ये पढ़ लो उसको बस। जैसे अपन ने क्या लिखा था, मैंने क्वेश्चन ये लिखा था, क्वेश्चन ये था है ना, तो एक तो अपने पास इसमें लिख देना x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक तो ये लिख देना ठीक है, और दूसरा x इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा तरीका मैंने मल्टीप्लाई होल स्क्वायर, होल स्क्वायर किसका बन गया था अपने पास 1 बाय 4 माइनस x माइनस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ऐसी मैं तीन फॉर्म्स और जो आपको बता रहा था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अभी था बीटा माइनस एक्स एक्स माइनस बीटा, सेम ऐसी की ऐसी यहां पे आ जाए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और सेम ऐसी की ऐसी यहां से है। ठीक है, इसमें अपन पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू अल्फा sec स्क्वायर थीटा माइनस बीटा tan स्क्वायर थीटा, इसमें पुट करते हैं x इक्वल्स टू अल्फा sec स्क्वायर थीटा माइनस बीटा tan स्क्वायर थीटा, और अगेन इसमें भी क्या है कि होल स्क्वायर बना के भी हो जाएगा जैसा भी बताया ना, है ना।
इसमें दोनों में होल स्क्वायर बना लो, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं अपन। बाकी आगे का काम उससे वही आप जैसे dx से dt कर लेना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा ना, उसमें x माइनस अल्फा बीटा माइनस x था, x माइनस अल्फा बीटा माइनस x था, इसमें x माइनस बीटा है। और इसमें यहां पे माइनस कर रहे हैं ना, उसमें अपन ने प्लस करा था अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है चलो, अब इसमें लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स में पहले तो कुछ फॉर्म्स हैं, सबसे पहले तो उन फॉर्म्स की बात करते हैं अपन, बस मतलब मेन तो उसमें फॉर्म्स ही है, फिर लास्ट में अलग अलग साइन कॉस टेन इसके में लेते जाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप की फॉर्म आती है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी, और या फिर आप ऐसी भी ले सकते हो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, बस स्टेप्स याद रखते जाना आपको भाई, कुछ नहीं है इसमें, स्टेप्स याद रखते जाना कि स्टार्टिंग अपन कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या करनी है आपको, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स से, तो कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर आपके पास सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और नीचे ये पूरा का पूरा टेन एक्स की टर्म में आपके पास फंक्शन बन जाएगा, टेन एक्स को टी मान लेना, टेन एक्स को टी मान लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, तो वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे तो टू टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे तो थ्री सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स से करा, तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x, तो 2 टेन स्क्वायर x प्लस 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब आप टेन x को t मान लेना, तो टेन x को t मानोगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, ऊपर आपके पास हो गया dt, यहां पर आ गया 5 p स्क्वायर प्लस 3, कैसे करोगे 5 p स्क्वायर प्लस 3 का 5 बाहर ले लेंगे 1 बाय 5 dt अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 बाय 5, 3 बाय 5 को लिख लेना रूट 3 बाय 5 का होल स्क्वायर, ठीक है।
फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सीधा सीधा टेन का टेन हो जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। तो इसमें क्या ना ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में बस आप थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला फॉर्म याद रख लो ना, स्टार्टिंग वाला कर लोगे ना फिर खुल जाएगा। सर इसमें टेन को टी मान लिया, हाँ टेन को टी मान लिया। वो एक शीट दी थी मैंने, करेगा उसके क्वेश्चन रवि नहीं करे सर। ठीक है चलो, तो वो चलो अब नेक्स्ट क्लास में अपन लेते हैं फिर इसकी, और दो फॉर्म्स और है मेरे पास, नेक्स्ट क्लास में फॉर्म सारी अपनी हो जानी चाहिए। ठीक है फिर एक दो क्लास अपन प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है चलो, ठीक है तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन। ठीक है चलो, मैं बिगनर बॉक्स में बता दूंगा उसमें, क्योंकि एक बीच उसमें मॉड्यूल में अलग टाइप की दी हुई है सीक्वेंस, तो वो मैं बता दूंगा ग्रुप पे क्या क्या करना है ना। ठीक है चलो, ओके देन, बाय बाय। सर रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, रिकॉर्डिंग सर।